मेरा नाम नानी बाई पंद्रे महगांव। हम पहले ये रसायन से खेती कर रहे थे, उसमें ज़्यादा खर्च, उसमें डीएपी डालते थे, 1.5-2 क्विंटल यूरिया डालते थे। एक एकड़ में कम से कम हमला 4-5 हज़ार लग जाए, अभी नहीं डालते। अरे वो बीमारी भी हो जाए तो कैसे बीमारी ऐसे बोलते थे। बीमारी के दवा वाला कोई मालूम नहीं रहा है। यूरिया डालने से, डीएपी डालने से ब्लास्ट उकठा चालू हो जाता है, कीड़ा भी लग जाते हैं, पत्ती में लाल पत्ती भी हो जाते हैं, और हार्ड मट्टी के कारण अच्छा से फीका भी नहीं डालते, इसलिए खातू नहीं डालते डीएपी यूरिया। दाना में पूरे फर्क आ जाता है, वो हाथ से बना के डालते हैं वही ठीक रहता है। और अभी हम जो अजोला की खेती कर रहे हैं, इसमें हमारा बहुत बचत भी हो जाता है। अजोला डालते हैं, ड्राम का दवाई भी डालते हैं, किचुआ खातू भी डालते हैं। किचुआ का जो उनको अच्छा से रखते हैं गोबर खाद को, वो बारीक हो जाता है और कीचड़ मचाते हैं जब उसको छिछाई करते हैं, उसको फिर हल्का से उसको भी बारीक बारीक डालते हैं, 8-8 दिन के बाद डालते हैं। गौशाला से फिर उसका पेशाब भी के भी दवा बनाते हैं, उसका छिछाई भी करते हैं और अजोला को भी डालते हैं। वो उकठा भी नहीं लगते, ना लाल पत्ती भी नहीं होते, जो उसका सही पौधा रहता है वही रहता है। हम पहले ऐसे सूखे वाले गोबर डालते थे, उसमें वो गड़ा टाइप के रहता था, इसमें ढीला रहता है, और किचुआ भी थोड़ा अच्छा से ढीला रखते हैं, तो किचुआ का खाद ज़्यादा डालना पड़ता है। अपने यहाँ मावसी हैं तो हो जाता है गोबर, और गोबर को अच्छा से गला के और उसको छिछाई करते हैं। और पहले का खेती और अभी का खेती में बहुत फर्क भी पड़ता है। अजोला की खेती करने से हमको बहुत फायदा है, तो हमको अच्छा उत्पादन भी होता है और अच्छा फसल भी होता है। दो भाग में मैंने धान बोया, मैं 20 से मेड़ बना के एक साइड यूरिया डाला, एक साइड बोए हुए में एक साइड में जो है जैविक खाद। तो मैं तुलना देखा, उसमें एक साइड को उसमें 5 बोरा पका, और जो जैविक खाद वाला है गोबर खाद का, उसमें 6 बोरा आया। मुझे लगा यार नहीं कि मुझे जैविक खाद ही उपयोग करना चाहिए। जैविक खेती वाला चावल जो है उसमें तुम दाल में ही खा सकते हो भरपेट, और जो यूरिया वाला है उसमें देखना तो बिना सब्जी का वो उसका स्वाद ही नहीं रहता। गांव में तो बहुत से लोग कर रहे थे, लेकिन अब देख देख के हर कोई जैविक खाद उपयोग करने लगे हैं। अब गाँव में भी बहुत से लोग हैं जो अब गोबर सड़ाना शुरू कर दिए हैं। जैविक खेती अपनाएंगे, मानव जीवन बचाएंगे। जैविक खेती अपनाएंगे, मानव जीवन बचाएंगे। प्रकृति प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण बचाएंगे, जैविक खेती अपनाएंगे। गोबर कंडे लकड़ी डंडे, गोबर कंडे लकड़ी कंडे, घास फूस से खाद बनाएंगे, जैविक खेती अपनाएंगे। ना कोई खर्चा बस एक चर्चा, ना कोई खर्चा बस एक चर्चा, खुदई जीव अमृत बनाएंगे, जैविक खेती अपनाएंगे। जैविक खेती अपनाएंगे, मानव जीवन बनाएंगे।